स्ट्राइक पे आदिल लद्दा और नवेद भाई, बॉलिंग पे हुसैन। Four. Teen ball, 7 run. Over 8. White ball. दो बॉल नौ, एक विकेट के नुकसान पर। तीन बॉल 10, दो विकेट के नुकसान पर।
13 पे 4 और 23 रन एक बॉल 25 रन छह विकेट के नुकसान पर छब्बीस रन 7 विकेट के नुकसान पर चार बॉल 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर
30 रन का टारगेट है, 30 रन का। गब्बर और अनस्टॉपेबल। तीन रन एक विकेट के नुकसान पर।
9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 12 12 पे 18 चाहिए, 12 पे 18। और ये वाइड बॉल रावल बॉयज, अभी 2 ओवर 4 बॉल 15 रन स्कोर हो चुका है। अदिल स्ट्राइक पे और ये काफी अच्छा, इन्होंने कोशिश की थी मारने की लेकिन एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पे, कोई रन नहीं यहाँ पे। 2 ओवर 5 बॉल 15 रन, ये बहुत छोटा स्कोर का पीछा करते हुए रावल बॉयज अपने आप को चौक करते हुए, और ये इस ओवर की आखिरी बॉल वाइड बॉल करार दी गई। 2 ओवर 5 बॉल 16 रन। अभी भी अगर रावल बॉयज को इस मैच को जीतना है इस वाइड के साथ, रावल बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। और अब देखना यह होगा अंपायर का डिसीजन, रिव्यू हो रहा है। और ये अंपायर ने अपना डिसीजन रिवर्स किया है, अब देखना ये होगा। दो ओवर पांच बॉल 15 रन।
अभी ये देखना होगा इस बॉल पे अंपायर का डिसीजन क्या होता है। भाई अंपायर का डिसीजन तो वाइट था, वो वाइट बॉल ही रहेगा। थर्ड ओवर की 5 बॉल ही हुई है। और यहां पर अदील का कहना था कि नड़ के इस डिसीजन को वाइट लिया जाए। दो ओवर 5 बॉल 16 रन, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा। अभी भी 7 बॉलों में 14 रन दरकार है रावल बॉयज को। और ये मोहम्मद भाई की काफी अच्छी बॉल जिसपे एक रन चुरा लिया दिल ने। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 17 रन। अब अगर रावल बॉयज को ये मैच जीतना है तो उन्हें 6 बॉलों में 13 रन बनाने होंगे। रावल बॉयज को 30 रन का स्कोर टारगेट दिया गया है। और ये एनआरके की तरफ से 14 ओवर अतीक के रूप में। अब देखना होगा कि अदील अतीक को किस तरह खेलते हैं। 13 रन बनाने हैं एक ओवर में। और ये पहली बॉल काफी अच्छी मारी थी लेकिन अदील कैच थमा बैठे। इन्होंने काफी कोशिश की कि उजैफा की जैसी इनिंग खेले लेकिन नहीं खेल पाए। और अब एनआर के इस मैच में एक बढ़त बनाती हुई रावल बॉयज को अभी भी 5 बॉलों में 13 रन बनाने हो गए अगर इस मैच को जीतना है। अतीक इस टूर्नामेंट में काफी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग डाल रहे हैं, काफी अच्छी बॉल डालते हैं। और ये कवर मांगते हुए दूसरी बॉल अपनी ओवर की लेके आए हैं अतीक। और ये अरफात को काफी अच्छा ये बॉल 6 रन के लिए खेल लिया है अरफात ने। अरफात का काफी अच्छा करारा शॉट। और ये बहुत साधारण सी बॉल डाली थी अतीक ने, बहुत इजी बॉल डाली थी। और अरफात ने काफी अच्छा स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 23 रन। और ये वाइड बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रन। इसी के साथ अब 4 बॉलों में सिर्फ 6 रन बनाने हैं रावल बॉयज को अगर इस मैच को जीतना है और अपनी फर्स्ट पोजीशन को बरकरार रखना है। मैं बताता चलूं कि इस मैच को जो भी जीतेगा, दोनों ही टीम 3 मैच खेल के 6 पॉइंट के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। और ये चौथी बॉल अपनी लेके तीसरी बॉल लेकर आए हैं। और ये एक और अच्छा स्ट्रोक मारा लेकिन ये कैच हो जाएगा। और अब 3 बॉल में 6 रन चाहिए रावल बॉयज को अगर इस मैच को जीतना है। और अगर ये चौथी बॉल अपनी अतीक और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, एक रन मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ 2 बॉलों में 5 रन का अभी टारगेट मिला है। और अगर माज इस बॉल पे 6 मारते हैं तो उन्हें 500 रुपए इनामी राशि रखी गई है माजिद की तरफ से। अच्छा, और अब 2 बॉलों में 5 रन दरकार।
और ये पांचवी बॉल, और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, अच्छा स्ट्रोक मास का, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। अब ये मैच आखिरी बॉल पे जा पहुंचा है। अगर बाला इस बॉल पे चार रन मार देते हैं तो उन्हें 500 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। अब देखना होगा एक बॉल में चार रन रावल बॉयज को चाहिए और एनआरके को चार रन डिफेंड करना है। देखना होगा, काफी ये रोमांचक मुकाबला जा पहुंचा है और इसी तरह के मुकाबले के लिए जाना जाता है सईदा विला फ्रेंडशिप लीग, जिसमें सारी टीमें एक दूसरे को काफी टफ टक्कर देती है। और यहां पर आखिरी बॉल लेकर आए हैं, आखिरी बॉल लेकर आए अतीक, देखना होगा चार रन चाहिए। और ये काफी अच्छी बॉल डाली थी, अच्छा स्ट्रोक था बाला का, लेकिन यहां पर देखना होगा कितना रन ले पाते हैं। दो रन और तीसरे रन पे आउट, और इसी के साथ रावल बॉयज एक रन से हार चुकी है ये।